ये वीडियो उनके लिए है जो यूजीसी नेट के लिए बिल्कुल सीरियस है। नॉन सीरियस इस वीडियो को मत देखें, जो सीरियस है वही देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी भारत। स्टडी भारत में मैं अमन वोहरा आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लेके आए हैं जो पेपर वन में अपडेट हुआ है टॉपिक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड यानी कि परसेंटेज का। ये बिल्कुल नया टॉपिक है, बिल्कुल अपडेटेड टॉपिक है। सबसे पहले हम आपके सामने यही लेके आए फ्रेंड्स, ये टॉपिक इस बार सिलेबस में ऐड हुआ है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का। ये रीजनिंग में आपको मिलेगा, ठीक है, रीजनिंग में आपको मिलेगा मैथमेटिकल एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड का ये पार्ट है ये। तो इसमें हम आज शुरू करेंगे परसेंटेज, आपको हम बेसिक लेवल से कराएंगे स्टार्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक बात और फ्रेंड्स, अगर वीडियो देखते समय या वीडियो चलने से पहले अगर कोई ऐड आती है तो इसको पूरा देखें प्लीज़, क्योंकि उस ऐड से जो हमें इनकम होनी शुरू होगी हम उससे पेपर टू जल्दी स्टार्ट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको नोटिफिकेशन फिर भी ढूंढने में दिक्कत होती है तो आपको एक काम करना है, आप प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में जाके आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आप टेलीग्राम ऐप खोलिए, वहाँ पर आपको टाइप करना है स्टडी भारत। वहाँ पर टाइप करने के बाद आपको हमारा लोगो दिखाई देगा, वहाँ पर आपको जाके ज्वाइन कर लेना है, जिससे हम आपको डेली के डेली हम जो हमारे दिन में दो लेक्चर आते हैं उसकी आपको वीडियो लिंक डायरेक्ट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, जो बच्चे साथ साथ नोट्स बना सकते हैं वो साथ में नोट्स बनाइए बिल्कुल फ्री में। अगर वो नोट्स नहीं, जिनके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो हमसे वो मटेरियल ले सकता है। ये पूरा कवर फुली अपडेटेड होगा, ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है, तो आप हमसे मटेरियल भी परचेज कर सकते हैं। मटेरियल की कॉस्ट है 950 रुपये, ये हमसे और 250 रुपये है कुरियर चार्ज, यानी कि तो आप टोटल आपको 1200 रुपये पे करने हैं इसके। आपको घर बैठे कुरियर आपको पहुंच जाएगा, ये फुली अपडेटेड मटेरियल होगा। इसमें आप हम आपसे ज़्यादा पैसे नहीं ले रहे, सिर्फ आपसे फोटोशीट का चार्ज ही ले रहे हैं, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपना नाम और पता सेंड करना है हमें इस नंबर पर, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिस इज़ कमलदीप फ्रॉम स्टडी बार, स्टडी बार में आपका स्वागत है। पहले तो फ्रेंड्स, लास्ट जो वीडियो बनाई थी वो काफ़ी क्लियर नहीं थी, ब्लर थी, और कोशिश करेंगे कि आगे से जितनी भी आपको वीडियोस आएँ एटलीस्ट वो आपको क्लियर नजर आए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का बेनिफिट सिर्फ सभी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो आप ले लीजिए कि बैंकिंग है, SSC है, स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल में अगर उनको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो, तो इसका बेनिफिट सभी स्टूडेंट्स को होगा। तो आपका भी ये अपडेटेड टॉपिक है, तो शुरू करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज आपको DI में भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियोस में मैं परसेंटेज के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज में सबसे पहले देखिए, हम टेबल्स याद करेंगे। टेबल्स क्या है, जैसे 1/4 ये कितना है, 25%। 25% कैसे है, जैसे 25% जो परसेंट होता है उसका मतलब होता है 1/100। तो मैं 25 के साथ परसेंटेज लिखूंगा तो 1/100 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाता है, 1/4। ऐसे 2/4 50% होता है, 3/4 75% होता है, 4/4 100% होता है। जब ये 4 इसमें ऐड हो जाता है फ्रेंड्स, तो ये क्या बन जाता है, 5/4। तो 5/4 का मतलब होता है कि यहाँ पर 25% था, यहाँ पर 125% होएगा। तो ऐसे 6/4 कितना आएगा, 150%। 7/4 कितना आएगा, 175%। 8/4 कितना आएगा, 200%। सपोज अगर ऐसे ही कोई वैल्यू ले, सपोज मैंने ले ली 15/4, तो मैं 15/4 करूँगा तो ये क्या होगा, 4, देखिए 15 अंदर रखूँगा तो यहाँ पर 4 आएगा, तो यहाँ पर 3 से चला जाएगा तो बचता कितना है, 3। तो यहाँ पर जब 4 से 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाता है, तो बचता हमारे पास 3 है। 3 का मतलब 75%। तो ये कितना होएगा, ये होएगा 375%। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ फ्रेंड्स, जैसे आप 15 को 4 से डिवाइड करते हैं तो मैक्सिमम जो जा सकता है वो 3 पे जा सकता है, 4 पे करेंगे तो 16 ज़्यादा एक्सीड कर जाता है 15 से, तो 3 पे जाएगा, ये जाएगा 12, तो बचा कितना, 3। तो 3 बचने का मतलब होता है 75%, 2 बचने का मतलब होता है 50%, 1 बचेगा तो 25%, कोई भी नहीं बचेगा तो हमारा 100% होएगा। परसेंटेज में 100% का मतलब होता है 1, वो कैसे,
जैसे 100% का मतलब होता है 1/100, तो 100 से 100 कट जाता है तो बचता है कितना हमारा 1। तो फ्रैक्शन में जो 100% होता है जो वो उसकी वैल्यू होती है 1। तो ऐसे फ्रेंड्स जो टेबल, ये टेबल कहाँ पर हेल्पफुल होंगे वो मैं आपको बाद में जब क्वेश्चंस करेंगे फिर आपको पता चल पाएगा। जैसे 1/5 इसका टेबल कैसे चलता है, 20%, 2/5 का 40%, यहाँ पर 20, 40, 60, 80, 100%, 6 उसके बाद 6/5 होता है तो 120%, 7 का 140, 8 का जब भी नीचे 5 है तो 20 का टेबल चलता है। ठीक है जी, जैसे मान लो आपको आ जाए क्वेश्चन में 220% ऑफ 50 निकालना है, तो हमें पता है 220, देखिए जी कैसे बन रहा है जी, 11 का डबल हो रहा है 220%, तो एक सिफर हम काट रहे हैं वहाँ से। तो इसका देखना सीधे वैल्यू कैसे पता लगेगी, हमने जो जे जो डिजिट है दो इसको हम 11 हाफ कर देंगे, जीरो साथ में नहीं लगानी, डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो मल्टीप्लाई 50 कर देंगे। ऐसे परसेंटेज की हम सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन परसेंटेज की हेल्प से कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टेबल है जैसे 1/8 का, ये टेबल है 12.5, अगर मैं देखूँ तो ये 12.5 का टेबल है, 2/8 कितना होगा 25 हो गया, 25 में से 12.5 37.5, उसका 4/8 होएगा 50%, उसका 5/8 होएगा 62.5%, 6/8 75%, 7/8 ये कैसे चल रहा है, टेबल चल रहा है 12.5, 25, 37, 50, 62, उसका 75% और 67.5 और 100%। जब ये 8 के बीच में 1 ऐड होता है तो ये बन जाता है 9/8, तो यहाँ पर 12 था तो उधर क्या हो जाएगा 112, अगर ये फर्दर 8 ऐड होएगा तो ये हो जाएगा 17/8, तो यहाँ 12% था तो यहाँ वहाँ पर क्या होगा 212.5। इट मीन्स चाहे 312.5 आए, 412.5 आए, 137.5 आ जाए, तो मैं ईजीली बता सकता हूँ कि उसकी एग्जैक्टली वैल्यू कितनी होगी फ्रैक्शन में। जैसे मेरे को आ जाए कि सपोज वैल्यू है 137.5%, ठीक है जी, तो 137 मुझे इतना पता है, 37.5 कितना होता है 3/8, तो एक आगे है तो ये क्या हो जाएगा, हमें पता है 37.5 होता है 3/8, ठीक है जी। अब 100 है तो यहाँ पर एक लग जाएगा, तो ये कितना बनेगा 8×8 और 3×11/8, ठीक है जी। अगर सपोज मेरे पास आ जाए 37/8, ठीक है जी, तो 8 का मैक्सिमम टेबल कहाँ पर जाएगा, 8 को 4 से करेंगे, 8×4=32, तो 8×4=32 हो जाएगा और बचता कितना है 5, ठीक है जी, 8×4=32, अब बचता कितना है 5, 5 बचने का मतलब क्या होता है 62.5%। इट मीन्स ये 462.5% है, तो सीधे सीधे हम फ्रेंड्स इस वैल्यू को पता लगा पाएंगे। जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको बहुत बारीकियों में इस चीज़ का पता चल पाएगा। उसके बाद टेबल है 1/9, ये 1/9 का टेबल इजीली आप याद कर सकते हो, जैसे 1/9 होता है 1 है तो 11.11, 2/9 है तो 22.22, 3/9 है तो 33.33, 4/9 है तो 44.44, 5/9 है तो 55.55, ये देखिए बहुत आसान है इसको, 6 है तो 66.66, 7/9 है तो 77.77, 8/9 है तो 88.88, तो 9 का टेबल लर्न करना काफ़ी आसान है। सपोज 11/9 है तो 9 11/9, तो 1 पे जाएगा पहले तो बचा कितना है 2/9, इट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 2/9 होता है 22.22, तो 1 का मतलब 1 हो गया, तो ये कितना हो गया 122.22%, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे 17/9 है तो 9 को 1 से करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 8 बचता है, 8 बचने का मतलब क्या है 88.88%। जैसे फ्रेंड्स 17 को 9 से डिवाइड करूंगा तो 1 और 8/9 यही आएगा, 9×9 और 8, या 8 बचने का मतलब होता है 88.88, ये 1 का मतलब होता है 100%, तो 188.8% होता है ये। अब 1/7 का टेबल कैसे याद, जैसे यहाँ पर देखिए 14.28 होता है 1/7, 2/7 14 का देखिए टेबल यहाँ पर शुरू हो जाता है, जैसे 14 28 हो गया, यहाँ पर 28.57 है,
चौदोस्ती 14 को 3 से करके 42 हो जाता है, फिर 0.85। जब 4/7 है तो हमें वैसे मतलब पता है कि 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आता है, लेकिन यहाँ पर 57.6164 है, एक बढ़ गया, तो 4 से बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे 14 को 5 से करेंगे तो 70 आ जाता है, तो यहाँ पर 71.42 है। यहाँ पर 6 है तो 14 को मैं अगर 6 से करूँगा तो 84 रहता है, यहाँ पर एक बढ़ के आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये तीन जो वैल्यूज़ हैं इसमें एक एक बढ़ के आ रहा है, 57 आ रहा है, 56 जो 14 के टेबल के अकॉर्डिंग। तो इसको लर्न करना बहुत आसान है। तो जब 100% हो जाता है कोई चीज़ उसके बाद लर्न करना वैसे आसान हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 7 के बाद एक ऐड होता है तो ये ऊपर 8.8/7, तो अगर 1 ये कितना है 1/1/7, ठीक है जी, क्योंकि 7 को अगर मैं इससे डिवाइड करूँगा तो एक बचता है, एक का मतलब 1/7, तो एक पे जाएगा 7, एक ऐसे ही 8 आगे हो जाएगा तो 7 पे गया तो बचा कितना एक। ये जो एक है जिस पे गया है तो इसका मतलब 100% होता है, जो बचा है रिमाइंडर एक बचा है तो एक का मतलब क्या होता है 14.28, तो ये क्या होगा 114.28%। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये वैल्यूज वैसे ही लर्न हो जानी है। 1/3 क्या है 33.33%। जैसे 2/3 कितना है 66.67%। उसके बाद इसमें 1/3 के टेबल में सिर्फ दो ही वैल्यू लर्न करनी है, बाकी तो रिपीट ही होती जाएगी आपकी। उसके बाद 1/6 में क्या होता है 16.67%। 2/6 अगेन कटिंग हो जाएगी तो 1/3 ही रह जाएगा, ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 33.33% है, तो एक वैल्यू है जो 5/8 है उसको लर्न करना पड़ेगा, वो है 83.33%। फिर कुछ और परसेंटेज जो इम्पोर्टेंट होती है, जैसे 1/11 होती है 9.09। 1/11 का टेबल भी याद करना बहुत आसान है फ्रेंड्स। अगर आप देखोगे 2/11 करोगे तो ये 22, यहाँ पर 9 का टेबल चले जाता है। जैसे 11 के टेबल में यहाँ पर 9, जैसे 9.09 है तो 9 का टेबल क्या होता है 18.18 हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर सपोज मैंने 3/11 करना है तो 9 का टेबल जाता है 9 × 27, ये 27.27% होता है। अगर मैं 4/11 करूँगा तो 9 चौका कितना होता है 36 होता है, ये 36.36%। तो 1/11 का टेबल भी याद करना काफ़ी आसान है। एक और चीज़ 1/12, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 8.33% 1/12 होती है। उसके बाद 1/16, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमें पता था कि जो 1/8 होता है हमने टेबल में कराया तो 12.5 होता है, तो दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई करा तो ये कितना रहेगा 6.25। यहाँ 1/2 से करोगे तो ये 6.25। अगर 1/8 आपको पता चल गया तो आप इजीली बता सकते हो कि 1/16 क्या होता है, उसका हाफ ही करना हमने। ऐसे ही 1/18 भी हम इजीली पता लगा सकते हैं। अगर आपको 1/9 का पता है तो वैल्यू आप इजीली पता लगा पाएंगे कि ये 1/18 होता है 5.55। उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे 5.26 की वैल्यू होती है 1/19 होती है। उसके बाद 1/13 7.7%, 1/14 7.1%, 1/15 6.67। ये जो प्रैक्टिस करेंगे आप तो ये वैल्यू अपने आप लर्न होनी आपको शुरू हो जाएगी। कुछ और वैल्यूज़ है, जैसे 1/21। देखिए फ्रेंड्स, इसको अगर देखा जाए तो ये कैसे कहाँ से कहाँ तक चल रहा है। इसको डिवाइड कर लेते हैं 25 तक। 25 होता है 4%, तो ये 4.47 के 4% तक चल रहा है। जैसे 4.54 हो गया, 4.34 हो गया, 4.16 हो गया, तो इसको आप ऐसे ही लर्न करेंगे। और 1/30 होता है 3.33, तो ये 3.84 से टेबल शुरू हो जाता है, तो इसके बीच में लाई करता है। 3.7027 हो गया, 3.57 1/8 हो गया, 1/29 3.44। ये जो आपको तो चलो इतना ज़्यादा नहीं, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली उन स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, तो उनको तो ये वैल्यूज़ लर्न होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वैसे बाकी आपको जो वैल्यूज़ है मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा, उसके ऊपर आपको ईजिली पता लग पाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे व्हाई डू वी लर्न परसेंटेज वैल्यूज़, हम इसी इन वैल्यूज़ को क्यों याद करें, इसका फ़ायदा क्या होएगा। एक चीज़ देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बोलता हूँ सपोज़ यहाँ पर 100 का 100 मल्टीप्लाई 10%, ठीक है जी, चाहे मैं अगर ऐसे दे रखा है तो ये परसेंटेज को मैं इधर भी लेके आ सकता हूँ, क्योंकि सभी मल्टीप्लाई में मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ 100%, 10। तो बात एक ही है, इससे अगर आप दोनों से वैल्यू निकालेंगे तो आपका आंसर
यहाँ पर भी 100 10% होता है, 10/100 तो 10 ही आएगा। अगर इधर से भी करोगे 100 परसेंटेज का मतलब 1/100 100 मल्टीप्लाई 10 तब भी वैल्यू 10 ही आएगी यहाँ पर। तो इससे ये पता चलता है कि एक चीज़ लर्न की हमने कि ये परसेंटेज अगर ऐसा है ना 28% ऑफ मल्टीप्लाई 420 तो हम इसको ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं, ये भी 28 मल्टीप्लाई 420% है ये, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 36 मल्टीप्लाई 540% है, तो परसेंट को इसके साथ भी लगा सकता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमेशा सेम आएगा। ये क्वेश्चन रिसेंटली ऐसे एक लर्क में भी आया है। तो ऐसे परसेंटेज की वैल्यू को सॉल्व करने का तरीका क्या है? जैसे मैंने बताया था कि जो 20 का टेबल है हमने अभी लर्न करा था 1/5 का, तो 1/5 कितना क्या होता है 20%, 2/5 कितना होता है 40%। तो ये पता जैसे 420% है तो मैंने उसमें बताया आपको इसका आपने सिर्फ जो स्टार्टिंग में दो वैल्यू उसका हाफ कर लेना, तो डिवाइड बाई 5 कर, एक चीज सिफर जो है आपने छोड़ देनी है, कहने का मतलब कि डिवाइड 10 कर देना है, ठीक है जी। तो डिवाइड 10 करने से क्या होएगा वो कट जाएगा और बाकी का हाफ कर लेना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 21 डिवाइड बाई 5, तो 28 को मल्टीप्लाई करूँगा 21/5 से, ऐसे ही 36 ये 540 है इसका हाफ करूँगा 27 तो डिवाइड बाई 5 कर दूंगा, तो ईजीली देखिए सॉल्व हो गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपको ऐसे फ्रैक्शन में वैल्यू कॉमन हो तो अब हमेशा इसको कॉमन निकाल लेना, बीच में क्या रहेगा 28 को 21 से 36 को 27 से, ठीक है जी। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कैसे करना, देखिए ये भी माइंड में आपने कैलकुलेशन करनी है। हम क्या करते हैं 28 को जब मैं 21 से मल्टीप्लाई करूँगा माइंड में क्या चलेगा, 28 को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट 20 से फिर 1 से, तो 20 से क्या करूँगा कैसे करूँगा 28 का डबल कर दूंगा, तो ये हमारे पास क्या आएगा 560। 28 को 20 से करूँगा तो आएगा 56, साथ में 0 है तो एक और प्लस फिर 28 हो जाना, तो ये हमारे पास क्या आएगा 588, तो इजीली देखिए सम हो गया। अब इसको कैसे माइंड में मल्टीप्लाई करेंगे, आप जैसे यहाँ पर है 36 को 27 से मल्टीप्लाई करना है, मेरे को 25 का टेबल बहुत आसानी से पता लग पाता है, देखिए 25 का टेबल बहुत ईजी है, तो मैं क्या करता हूँ माइंड में ही 25 प्लस 2 ऐसे इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। तो पहले 25 का टेबल 25 को 6 करूँगा तो 150 0 आ जाएगा, 15 बचा, 25 को 3 करेंगे 75 प्लस 15 तो कितना होगा 90, तो 25 करने से 900 आ गया, और उसके बाद डबल करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है 36 को, तो डबल हो जाएगा ये 72, तो ये क्या आ जाएगा 972, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 972, तो डिवाइड ये इसको हम सम करेंगे, तो ये सम करने पे हमारे पास आ जाएगा 0 6। और अब देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ और लर्न करनी है हमने, जब भी आपने 5 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है कुछ भी, तो सबसे आसान मेथड क्या होता है 5 को हमेशा आपने 10/2 लिख लेना है, ठीक है जी, हमेशा क्या करना है आपने 5 को 10/2 कर लेना है, तो इससे देखिए बेनिफिट क्या होएगा। जैसे यहाँ पर 1560 था तो डिवाइड बाई 5 था, तो मैंने 5 को क्या लिखना है 10/2, 2 ऊपर चला गया तो ये 0 से 0 हो गई कट गई, तो इससे मेरे को कहेगा अब 150 का डबल 300 हो गया और 6 का डबल 12 हो गया, तो ये यहाँ पर जो आंसर रहेगा 312 आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, जैसे 75% ऑफ 450 है, 75% हमें पता है कि 75% ऑफ 3/4 इसको 450 लिख लिया, 25% कितना होता है 1/4 इसको 850 हो गया, ये भी SBI क्लर्क में लास्ट जो हुआ है अभी रिसेंटली तो उसमें क्वेश्चन आया था, तो हमने क्या करा इसमें 1/4 कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन हमेशा अपने वैल्यू बाहर निकालनी है फ्रेंड्स जब भी कैलकुलेशन करनी है, तो 3 को मल्टीप्लाई करना है 450 से, 45 का डबल 90 और उसका एक बार 45 करेंगे 135 तो 1350 यहाँ पर आ गया। इसी तरह से यहाँ पर कितना था 1/4 कॉमन था तो बीच में 850 ही बच गया, तो ये हमारे पास ऐड करेंगे। अब इसको ऐड करने का तरीका क्या है फ्रेंड्स, 1350 है और 850 है, पहले 100 वाली वैल्यू को अलग से ऐड करना है, माइंड में ही करना होता है ये वैल्यू, जैसे 13 प्लस 8 कितना हो गया हमारे पास 2100 और 50 100 तो कितना हो गया जी 2200, डिवाइड बाई 4 करेंगे ये चला गया 5 5 और 0, हमारा आंसर क्या आ गया 550।
अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे अब एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें जैसे 70% ऑफ 320 और 45% ऑफ 240। तो 70% को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये परसेंट इसके साथ लगा देता हूँ 320 के साथ, ठीक है जी। ऐसे ही 45% है, इसको मैं लगा देता हूँ 420% के साथ। अब देखिए वो 20 वाला कंसेप्ट हमारा आ गया। तो देखिए मैं क्या करूँगा, ये कितना हो जाएगा, हमने जो स्टार्टिंग की दो वैल्यू उसको हाफ लिख लेना, ये 16 होता है डिवाइड बाई 5 हो गया। चलो जी ये सॉल्व हो गया हमारा, यहाँ पर 45 है तो यहाँ पर 12/5 लिख लेंगे। कैसे करते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको 120 का टेबल बता रखा है, तो क्या करते हैं हम 2 से डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड बाई फिर 10 कर देते हैं। तो ये हमारा मतलब स्टार्टिंग की दो वैल्यू को हाफ कर देना, हमने 12 आ गया तो इस हाथ में 0, एक 0 जो है हमने कैंसिल करनी है यहाँ पर। अब 1/5 हमारे पास यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, ठीक है जी। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 16 को 7 का, आपको 16 का टेबल पता होना बहुत ज़रूरी है। 16 7 आप करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1120। 45 को 12 से बारह 5 आपके यहाँ पर 60 हो गया, और 6 बार 45 6 54 हो गया। तो इसको आप सम करेंगे, 1100 प्लस 500 हो गया हमारा 1600, और 1660 ठीक है डिवाइड बाई 5 करेंगे, ये 53 पे चला गया, फिर 3 पे, ये चला गया 2 पे, तो हमारा आ गया 332। अब इसी चीज़ में आपको एक और बेहतरीन बात बताता हूँ। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जैसे जी हमारा क्वेश्चन में था 70% ऑफ 320, जब भी जिससे मल्टीप्लाई कर रखा हो, जैसे वो पूछ ले 67% निकालना है, 73% निकालना है किसी चीज़ का, तो हमने कुछ वैल्यूज़ हैं वो हमें हमेशा पता चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जैसे मैं सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए किसी चीज़ का 50% कितना होता है, 50% कितना होगा 160, इसका हाफ हो गया। फिर 10% कितना होता है, 10% होता है 32, मतलब एक आपने पॉइंट छोड़ के डॉट लगाना होता है, मतलब जैसे 320 है तो एक यहाँ पर पॉइंट लगाना है, तो ये 30 जाएगा। तो 1% कितना होता है, 1% होगा 3.20। इसमें क्या होता है, दो वैल्यू छोड़ के पॉइंट लगाना होता है, ठीक है जी। उसके बाद 5% कितना होता है, जो 50% होता है, जैसे 50% उसका डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 5% आ जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं 160 को डिवाइड करूँगा 10 से तो 16 आ जाएगा, तो ये हमारा हमेशा क्या होगा 5%। तो आप 5% यहाँ से भी निकाल सकते हो, 10% कितना होता है 32, तो हाफ उसका क्या होगा 5%। तो ये आपको चीज़ें बहुत बारीकी से, अब यही क्वेश्चन जो था जैसे 70% निकालना था मैंने 320 का, 70% 320 का, ठीक है जी। तो मुझे 50% कितना है 160, 50% मेरा कितना हो गया 160, तो 10% कितना हुआ 32, और 20% कितना हुआ 32 का डबल, तो वो कितना हो गया हमारे पास 64। चलो देखिए ये हमारा 4 12, ये 224 बन गया। उसके बाद जैसे दूसरी और था 45% ऑफ 240, ठीक है फ्रेंड। इसमें कैसे कर लेंगे आप, इसमें आप देखिए 50% कितना होता है 120, अब उसमें से 5% निकालना है। 5% मीन्स जैसे 50% अगर जितना 50% होता है उससे डिवाइड 10 कर दोगे तो वो कितना हो जाएगा हमेशा 5%। 50% कितना है 120, उसके डिवाइड करेंगे 10 तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 माइनस करेंगे 108। तो आप इन दोनों को सम करेंगे 224 को, 224 को करेंगे 108 के साथ, तब भी हमारा आंसर ये आ गया 3 और 3 3 3 2। तो ये मेथड मैंने इसलिए बता रखा है, मान लीजिए आपको कोई ऑकवर्ड वैल्यू आ जाए 367, ठीक है जी, तो उसको आपने उसकी परसेंट निकालनी है, 73% निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। अब इसका 50% पता होना चाहिए, 50% कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, हमने और सबसे पहले इवन वैल्यू ले लेनी होती है, जैसे 300 का हाफ 150, 60 का हाफ 30, 6 का हाफ 3, तो ये सीधा मेरा कितना बन गया 183। तो जो एक बचता है उसका हाफ करेंगे तो 0.5, तो ये 50% कितना है 183.5, ये हमारा 50%। अगर वो पूछता है 5% कितना होएगा, बड़ा आसान है 18.35, ठीक है जी 18.33, ठीक है जी 18.33। तो ये मैं इसलिए बता रखा है। चलो फ्रेंड्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एज सैलरी इज 30% लेस देन द बी, हाउ मच परसेंट इज बीज सैलरी मोर देन दैट ऑफ ए,
वो कहता है ए की जो सैलरी है वो 30% लेस है बी से। मैं मान लेता हूँ अगर बी का 100 है तो ए की सैलरी कितनी होगी 70, ठीक है जी। अब इसका डिफरेंस कितना है 30 का, डिफरेंस हमारा कितना है 30 का। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, एक तरीका बताता हूँ आपको। जैसे वो कह रहा है बीज सैलरी मोर देन दैट ऑफ ए, जिसके साथ मोर देन और लेस देन लगा होता है वही वैल्यू से हमने डिवाइड करना, वही हमारा बेस होता है। जैसे ए की वैल्यू कितनी है 70, तो डिवाइड कैसे होगा 70 मल्टीप्लाई 100 होता है, तो जीरो से जीरो कटेंगे, ये हमारा 300/7 है। जब इसको आप लिखोगे तो तकसीम करेंगे तो 300 को आप 7 से, ये 4 पे 28, 20 और 2 पे ये 14 डिवाइड बाय 6 कितना बचा, ये 42, 6 डिवाइड बाय 7 42, 6 बाय 7%। इसमें फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे सपोज मैंने 100% इन्वेस्ट करा तो मेरा उसके ऊपर 10% का प्रॉफिट आया तो मेरा 110 बन जाता है। ये कैसे बनता है, जैसे मैंने बताया कि इसके ऊपर मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ, इसको लर्न करने का सबसे आसान मेथड क्या है। जैसे 100 है, जितना 100 के ऊपर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, अगर इंक्रीज होया तो 100 प्लस लिखूंगा, डिक्रीज होगा तो 100 माइनस लिखूंगा। जैसे 10 इंक्रीज हुआ तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया ना 110 डिवाइड बाई 100 करना है, तो ये सिफर से 100 से 100 कट जाता है तो ये हमारे आ जाता है 1110। अगर वो कह रहा है कि 100 है उसमें मेरी 10% वैल्यू डिक्रीज हो गई है तो वो 90 कैसे आता है। मैं 100 को करता हूँ 10% डिक्रीज करा है तो 10 अगर मैं माइनस करूँगा 100 में से तो आ जाता है 90, डिवाइड हमने करना होता है 100 से, 100 कट जाता है, इसलिए ऐसे हमारा जो 90 आता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन और करते हैं, इफ़ ए अर्न 33/1/3% मोर देन बी। अब देखिए यहाँ पर मैं ए लिख लेता हूँ, यहाँ पर बी, ए कितना अर्न कर रहा है 33.33% ज़्यादा कर रहा है बी से। अगर बी 100 है तो ये कितना होगा 100 प्लस ये 30, देखिए मैं इसको लिखता हूँ 33/1/3 ये मल्टीप्लाई करेंगे 99, ये 100/3 आ जाता है, तो वो 100/3 ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है तो ये कितना हो जाता है, ये 300 हो गया प्लस 100 400/3 तो ये 100 हुआ। देखिए अब इसका डिफरेंस कितना होएगा, डिफरेंस होएगा 400/3 से 100 माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा 100/3 एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा 100/3, ठीक है जी। तो 100/3 वो क्या कह रहा है, हाउ मच परसेंट डज बी अर्न्स लेस देन बी। लेस देन किसके साथ लगा हुआ है, ए के साथ, तो डिवाइड भी किससे होएगा, डिवाइड भी हमारा ए से होएगा। ए कितना है 4/400/3 ये मल्टीप्लाई कितना होता है 100 मल्टीप्लाई हम ये 3 से 3 कट जाएगा, 00 से 00 कट जाएगी, ये 4 से 25 तो आंसर क्या आएगा 25%। अब देखिए क्वेश्चन, एक नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मैन्स वेज वाज रिड्यूस बाय 50%। देखिए एक मैन था, मान लीजिए मैन है, उसका 50% वेज डिक्रीज हो गया, पहले 100 था तो अभी कितना हो गया 50। अगेन द रिड्यूस्ड वेज वाज इंक्रीज्ड, फिर दोबारा से उसकी सैलरी इंक्रीज कर दी गई, अब 50% इंक्रीज करा है। 50% इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, मतलब 100 में से 100 में प्लस हमारा 50 हो गया तो ये 150/100 हो गया, तो ये 0 से 0, 0 से 0 ये कितना हो गया 75, तो कितना हो गया हमारे पास 75। वो कह रहा है फाइंड द लॉस इन द टर्म ऑफ परसेंटेज, पहले 100 था अब मेरा कितना हो गया 75, कितने का लॉस हुआ 25 का, कितने पे हुआ मेरा 100 के ऊपर, तो हम डिवाइड मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये हमारा, तो यह हमारे पास आ गया, हमारे पास आंसर आ गया 25%। अब ये देखिए सैलरी ऑफ द पर्सन वाज रिड्यूस्ड बाय 10%, मतलब पहले अगर उसकी 100 थी अब उसकी सैलरी 10% जो है डिक्रीज हो गई है तो कितनी रह गई है 90। बाय व्हाट परसेंट शुड हिज रिड्यूस्ड सैलरी, जो उसकी कम हुई सैलरी है बी रेज्ड, कितनी बढ़ाई जाए सो एज टू ब्रिंग इट एट पार, दोबारा से उसकी एट पार मीन्स बराबर, उतनी ही बराबर जो पहले सैलरी थी विद इट्स ओरिजिनल सैलरी, मतलब दोबारा से उसकी 100 ही हो जाए। देखिए फ्रेंड्स 100 सैलरी थी उसकी 10% डिक्रीज हुई तो कितनी होगी 90, वो कहता है 90 में कितना इंक्रीज किया जाए कि दोबारा से 100% हो जाए। अब 90 से हमने 100 बनाना है तो डिफरेंस कितने का है 10 का, तो किससे बनाना है, हमने बेस क्या है हमारा 90, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, तो 0 से 0 कटेगा ये 100/9 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 11/1/9%, हमें पता है 1/9 99 पे जाएगा तो हमारा आ जाएगा आंसर यहाँ पर
ग्यारह डिवाइड बाय 11 से ही 1/9%। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको दोबारा से मैं बेसिक से शुरू कराऊंगा। अगर आपको कुछ भी समझना है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपको उसके ऊपर आपके आंसर्स का रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में आप नेक्स्ट अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज में। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल भी बताइए, क्योंकि मैं बैंकिंग के ऊपर जो SSC के ऊपर बहुत जो तैयारी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, कैलकुलेशन नहीं उनकी अच्छी हो पा रही, मैं उनके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाऊंगा सिंप्लीफिकेशन के ऊपर भी, तो परसेंटेज बहुत डेप्थ में जाऊंगा और सारी एक्सरसाइज परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन से ही करवाऊंगा। तो कोई भी फॉर्मूला नहीं मैं यूज़ करूंगा आपको मैथमेटिक करवाते हुए। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी भारत। जय हिंद फ्रेंड्स। आई होप आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आप प्लीज़ ऐड को पूरा देखें, ऐड को स्किप मत कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।